हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनल मेहंदी डिज़ाइनर्स। आज हम सीखेंगे फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइंस। तो सबसे पहले हम टू लाइन निकाल लेंगे, उस पर हम स्टार्टअप डिज़ाइन करेंगे। मैंने स्टार्टअप में लोटस का डिज़ाइन लिया है। आजकल लोटस कटवर्क डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है, इसलिए सबसे पहले मैंने लोटस लिया है। लोटस के अंदर हम शेडिंग कर देंगे और एक बड़ा सा डॉट कर देंगे, उससे लोटस में और भी गेटअप आएगा। फिर हमने पत्तियों वाली डिज़ाइन ले ली है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्टअप डिज़ाइन हो गई हमारी। फिर हम उसको सूखने के लिए रख देंगे और मैंने नीचे और एक लाइन निकाल कर उस पर कैलब्स की पैटर्न ली है। कैलब्स करते समय ये ध्यान रखिए कि वो एक ही तरीके से हो, वो कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसे ना हो, सब एक ही तरीके के हो। मैंने फिर कैलब्स के बाद एल की पैटर्न ले ली है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास से ये कोन है वो बाज़ार से मैंने ख़रीदा है, लेकिन हम जो घर पे कोन बनाते हैं उससे ये और भी अच्छी लगेगी मेहंदी। फिर वापस मैंने एक लाइन निकाल कर कैलब्स की लाइन ले ली है और हम दो लाइन को बोल्ड करने के लिए उसे भर देंगे। अब ये हमारा स्टार्टअप डिज़ाइन सूख गया है, इसलिए हम उसको भर देंगे और कटवर्क की पैटर्न रेडी हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, कटवर्क भरने से वो कितना सुंदर दिख रहा है। लोटस आजकल बहुत ट्रेंड में है और वो कलर आने के बाद और भी सुंदर दिखेगा। फिर मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली है, वो डिज़ाइन है हेवी बॉर्डर्स का। हम पहले लोटस का स्टार्टअप डिज़ाइन लिया, फिर बेसिक बॉर्डर एल वाली ली, फिर मैंने हेवी बॉर्डर्स ली। हेवी बॉर्डर्स के बीच में मैंने पैरोट का पैटर्न बनाया। देखो, ये पैरोट बन रहा है। पैरोट या फिर कोई भी बर्ड्स ले लो। फिर मैंने उसे लीफ बनाए हैं, वो डाली के लीफ पर बैठा है। फिर जो जगह दिखी वहाँ मैंने फूलों जैसा ले लिया है। उसको बोल्ड कर दिया है ताकि वो कलर आने के बाद दिखे। फिर मैंने दोनों साइड कैलब्स ले लिए हैं। हेवी बॉर्डर्स में हम ऐसे ही कुछ भी अंदर जो ब्रॉड बेल्ट रहता है उसमें हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, और दोनों साइड जो जगह रहती है उसमें हम कोई भी फिलर एलिमेंट डाल सकते हैं। अभी मैंने वन डॉट और थ्री लाइन वाला पैटर्न लिया है, आप कोई भी फिलर एलिमेंट ले सकते हैं उसमें। एक साइड हो गया, हम अब दूसरी साइड वन डॉट और थ्री लाइन ले लेंगे। ये हेवी बॉर्डर्स है। देखो बर्ड्स डाली पर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मैंने वापस एक लाइन ली है और हम उस पर कैलब्स ले लेंगे, और जो दो लाइन पहले निकाली थी उसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि पैटर्न और भी अच्छी दिखे।
फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं और मेहंदी में इजी और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी। मेहंदी को एंड तक देखिए, आपको फुल मेहंदी, फुल हैंड मेहंदी लगाना आ जाएगा। फिर मैंने दो कैलॉप्स की लाइन ली, उसके बाद हम आ गए पाम में। पाम में मैंने वापस कटवर्क ले लिया, उसमें हमने कटवर्क में फूलों वाला या फिर उस पर लीफ वाला कटवर्क लिया है। हम ऐसे ही फ्लावर हाफ या पूरा लेके उसको सूखने रखेंगे, फिर उसको बोल्ड करेंगे, पैक करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ऐसे पहले आप ड्रॉ कर दो, फिर उसको थोड़ी देर बाद उसको भर दो, तब तक सूखने के लिए रख दो। फिर आप आगे के डिज़ाइन कर दो, तब एक सूख जाए, फिर उसको पैक करो, तो आपको उसको फिलअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर मैंने एक और लाइन निकाली और उस पर मैं कैलॉप्स की लाइन ले रही हूँ। फिर मैंने दो और थंब के आगे लाइन ली और एक लाइन को मैंने भर दी। बीच वाली लाइन को भरेंगे हम और उस पर हम कैलॉप्स, आगे की लाइन है उस पर हम कैलॉप्स निकालेंगे। वहाँ पर हम कोई भी ग्रिड्स ले लेंगे। मैंने ए वाली ग्रिड्स ली है, आप उस पर उसमें कोई भी ग्रिड्स कर सकते हैं। अगर आपको मेहंदी सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं अपनी चैनल में मेहंदी सिखाऊंगी। अब थोड़े दिनों के बाद मैं इसमें मेहंदी क्लास शुरू करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेहंदी सीखिए। मैंने अपने वीडियो में मेहंदी कौन कैसे बनाते हैं वो वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। देखो मैंने ए वाली ग्रिड्स ली है, आप कोई भी ग्रिड्स लेके ये जगह फिलअप कर सकते हैं। अब ये कटवर्क सूख गया है तो मैं उसको फिल कर दूँगी। हमने कटवर्क लिया हो उसके बाजू में हम कोई भी डार्क नहीं लेंगे, कुछ भी डार्क नहीं लेंगे। उसके बाजू में हम लाइटली वर्क करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है कटवर्क। फिर हमने वापस कटवर्क वो लीफ वाला लिया है, उस पर हमने जिगजैग लाइन ली है। फिर थोड़ी सी जगह रही है, वहाँ मैंने जलेबी निकाली। फिर हम आ गए फिंगर पर। फिंगर पर मैंने दो लाइन निकाली है, उसको फिलअप कर दिया है। इस पर मैंने कैलॉप्स लिए है और फिर नेट की पैटर्न निकाल रही है। फिर मैंने वापस एक लाइन ली और उसमें मैंने कैलॉप्स निकाले और बाकी जगह पर मैंने लीफ ले लिए। सभी फिगर एक जैसे ही पैक करने हैं। आपको ये मेहंदी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और आपको कैसी मेहंदी सीखनी है वो भी कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और
अगले वीडियो तक। आपको ये मेहंदी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए प्लीज। तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण। हैव अ गुड डे।